सर के साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय मूलचंद शर्मा जी को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कॉलेज में तमाम महाविद्यालयों के नौजवान साथी, यहाँ के चेयरमैन भाई देवेंद्र गुप्ता जी, मेरे उद्योगपति विजय जिंदल जी, के गुप्ता जी प्रिंसिपल हैं, भाई शेखर जी और शहर के गणमान्य सभी साथीगण, नौजवान युवा साथी, भाई देवेंद्र जी को बहुत बधाई बहुत मुबारक कि इस साल में जो फेस्टिवल है और बल्लभगढ़ जैसे शहर में सभी महाविद्यालयों को बुलाने का कार्य करा, मैं इसकी बहुत बधाई बहुत मुबारक। और जब कॉलेज में जब एंट्री होती है, हर आदमी अपने बचपन के दिन याद करता है और जब दूसरे क्षेत्रों में रहता है तो अपने सारे दिन दूसरे कार्यों में लगा रहता है। एक कॉलेज का जीवन एक ऐसा जीवन है कि हर आदमी अपने नौजवानी की बात करता है कि नौजवान जब हम थे तो कॉलेजों में जाया करते, कॉलेज से आते थे और माँ बाप का पैसा लगता था, हम मौज उठाते थे, ऐसा महसूस अपने जीवन में। और मेरे साथी जितने ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप इस अग्रवाल कॉलेज से ले कर जाना है और ये बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ से जितना ज्ञान आपको ले कर जाना है, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के इतने टीचर हैं, बहुत विद्वान हैं और कहते हैं मंदिरों से स्कूलों से कभी खाली नहीं होता, यहाँ से जितनी शिक्षा आप लेके जाएंगे और वो शिक्षा दूसरों के देश और अपने परिवार के लिए काम आएगी। और मैं तो यही कामना करूँगा कि जितना बच्चों ने गीत सुंदर हरियाणा में गाया, हरियाणा आज 5 स्थानों पर अपना स्थान है देश में, दूध दही में अपना स्थान है, पैदावार में अपना स्थान है, मुर्रा नस्ल की भैंस का अपना स्थान है, गोल्ड मेडल में अगर हरियाणा में लाते हैं तो हरियाणा के बच्चों का अपना स्थान है, अगर सेना में देखें तो हर 10वां आदमी सीमा पे मिलेगा तो हरियाणा का आदमी मिलेगा, 5 स्थान हरियाणा के। और हरियाणा एक छोटा जरूर है पर हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ जो घिरा हुआ, 3 हिस्सा जो दिल्ली को कवर कर रखा है, ये आने वाला समय 20 साल का, ये हरियाणा दुनिया में सिंगापुर कहलाएगा कि आने वाला जब समय होगा तो दिल्ली में जगह नहीं, हरियाणा में जगह होगी और ये सारा एनसीआर का जो इलाका होगा आने वाले समय का सिंगापुर होगा। और नौजवान साथियों से मेरे एक ही विनती है, जिस माता पिता ने आपको कॉलेज भेजा है, जिस लक्ष्य को आपको लेके भेजा है, उस लक्ष्य से मत भटक जाना। माता पिता का जो लक्ष्य है, जो माँ ने आपको प्यार दिया है, जो पिता ने आपको प्यार दिया है, जिसके काबिल रात दिन 24 घंटे कमा के आपकी फीस भरते हैं, आपके कपड़े चलाते हैं, समय पे खाने का भोजन देते हैं, तो कॉलेज में अग्रवाल में आकर ये मत मान लेना कि वही बच्चे जब माता पिता के 80 और 85 95% नंबर आते हैं, बाकी माँ का दर्द होती है कि मेरी बेटी 95% लाई है, मेरी बेटी 98% लाई है, उस माता पिता का दिल गदगद। और के प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं मेरे कॉलेज के बच्चे पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं। तो इस बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये तो देवेंद्र गुप्ता जी का बड़ा दिल है और इसमें कितने लोग तो ऐसे हैं जिनकी फीस के लिए हम कहते हैं यार माफ़ कर दे देवेंद्र, देवेंद्र जी कहते हैं करोड़ों रुपये हमने माफ़ कर रखे हैं, नहीं कोई माफ़ नहीं करता इस संस्था में। और देवेंद्र जी को इस बात की बधाई कि बहुत बड़ा जहाज है आप पे, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जहाज है। जो रामलाल शर्मा जी कह रहे थे कि आपकी अग्रवाल जो संस्था है इससे बड़ी हरियाणा में संस्था नहीं है, मैं इनकी हरियाणा में बहुत बड़ी संस्था है, मैं इनकी झज्जर भी बहुत बड़ी संस्था है, मैं इनकी हम पे भी रहम करा करो,
तो देवनंद जी आपका तो हरियाणा देश प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। इस जो आपने जोड़ रखा है सारा, इतना बड़ा ये समुंदर, इसको लेके आप जहाँ लाला रतन जी ने बहुत समय व्यवस्था से सब लोगों के साथ लेके चले थे, और लाला जी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर कई जिम्मेदारी है, इस कॉलेज की जिम्मेदारी है, सामाजिक है, मर्यादा है, वो सब जिम्मेदारी आपकी है। और मैं यहाँ के सभी नौजवान साथियों को, यहाँ के अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक, जय हिंद, जय भारत। और संस्था की हौसला अफजाई करने के लिए बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फोक डांस सोलो फीमेल टीम एम, टीम कोड एम आ रही हैं। पर्दा हटा दीजिए यदि रेडी है।